शहर है वीरांगना, जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों सा मन है। जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। आपके नेत्रों में अपने लिए दया देखकर मैं अत्यंत क्रोधित हो गई थी, मुझे क्षमा करें। चित्रांगदा और मेरे बीच जो मनमुटाव था वो समाप्त हो गया। सच में? जी पिताश्री। मैं चित्रांगदा से विवाह करने की अनुमति चाहता हूँ। चित्रांगदा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतने उतार चढ़ाव के पश्चात हमारा विवाह हो गया। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। इंद्रप्रस्थ से इतनी दूर एक योद्धा आएगा, मेरे मन को भाएगा और मैं उससे विवाह करूंगा। चित्रांगदा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं भी। क्या? वही जो आपने सुना। परंतु क्या? प्रेम। प्रेम? आगे? ना। हे भगवान, हाथ में शस्त्र देकर शत्रु को ललकारने को कहो तो देखो कैसे हुंकार भरोगी। परंतु जब बात प्रेम की होती है तो मुख से ध्वनि नहीं निकलेगी। प्रेम होता ही ऐसा है, एक युवती को चंचल, शीतल, कोमल और सुंदर बनाता है। प्रेम तो हम भी करते हैं, देखो कितने ऊंचे स्वर में बखान करेंगे। मैं हस्तिनापुर का नरेश अर्जुन तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अब तुम कहो। ये लो। तुम्हारे हाथ में तलवार है, अब तो तुम्हारे स्वर ऊंचे हो सकते हैं। आप भी ना, हाथों में शस्त्र लेकर कोई प्रेम की वार्ता करता है क्या? तुम कर सकती हो। कहो कितना प्रेम करती हो मुझसे? हे महावीर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं।
अर्जुन और चित्रांगदा की प्रेम कहानी प्रदेश की जनता के लिए कौतूहल भरी रही। चित्रांगदा अपने राज्य और प्रजा के कल्याण हेतु कार्य करती रही। मौसम बदलते गए, समय बीतता गया और महारानी, खुशी की वार्ता है, आप नानी बनने वाली हैं। मैं नानी? पुत्री, चित्रा, चित्रांगदा, क्या हुआ? ऐसे क्यों लज्जा रही है? आज राजवैद्य जी आए थे। राजवैद्य जी? किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? नहीं, मैंने ही उन्हें बुलवाया था। तुमने? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? इतनी भी कोमल नहीं, आखिर एक योद्धा हूँ। परंतु हुआ क्या? राजवैद्य जी ने क्या कहा? चित्रा, चित्रा बताओ क्या हुआ है, क्या कहा है राजवैद्य जी ने? उन्होंने आपके बारे में भी कुछ कहा है। मेरे बारे में क्या? उन्होंने कहा है कि चित्रा पहेलियां मत बुझाओ, बताओ क्या हुआ है। हाँ, उन्होंने कहा है कि आप पिताश्री बनने वाले हैं। पिताश्री? चित्रांगदा, चित्रांगदा, तुमने आज मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने मुझे बहुत शुभ समाचार दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या भेंट दूँ मैं? मांगू? मैं चाहती हूँ संतान होने तक आप इंद्रप्रस्थ ना पधारे, यही रहे। मैं जानती थी आप अवश्य मौन धारण करेंगे। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, मैं संतान होने तक यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। सच? सच? कहीं आप मेरे साथ ठिठोली तो नहीं कर रहे? मैंने कभी तुम्हारे साथ ठिठोली की है? धीरे बोलिए, कोई ग्रहण करेगा तो सत्य मान लेगा। चित्रांगदा। पिताश्री। सदैव प्रसन्न रहो, आज हमारे पूर्वज तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे। तुमने हमारे वंश को आगे जो बढ़ाया है। महावीर अर्जुन, आपको भी कोटि कोटि आशीर्वाद। कहते हैं कि एक नई पीढ़ी वैवाहिक संबंधों को और भी दृढ़ करती है। ससुर, दामाद और नातिन तीनों एक साथ घुड़सवारी करेंगे, अद्भुत दृश्य होगा। सदैव प्रसन्न रहो। चित्रांगदा, ये क्या कर रही हो तुम?
गर्भ अवस्था में युद्धाभ्यास? मन बड़ा शांत सा हो रहा था। विचार आया, तदाचित युद्धाभ्यास करने से मन शांत हो जाए। गर्भ अवस्था में कोई युद्धाभ्यास करता है क्या? कुछ हो जाता तुम्हें तो? कुछ नहीं होगा महावीर अर्जुन से। क्यों महारानी, हम ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल सत्य। महावीर अर्जुन, चित्रांगदा जब महारानी के गर्भ में थी तो महारानी भी इसी प्रकार युद्धाभ्यास करती थी। अपितु महारानी को अस्त्र शस्त्र में कोई रुचि नहीं थी, अर्थात चित्रांगदा जन्म लेने से पूर्व ही युद्धाभ्यास करती आ रही है। अब उसी प्रकार इसका पुत्र भी युद्धाभ्यास कर रहा है। पुत्र नहीं महाराज, संतान। पुत्र हो या पुत्री, दोनों एक समान होते हैं। ठीक कहा महावीर अर्जुन। पुत्र हो या पुत्री, दोनों एक समान। कुछ महीने बाद चित्रांगदा ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जिसके नामकरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। राजकुमारी चित्रांगदा ने राजकुमार को जन्म दिया है। राजपुरोहित ने राजकुमार के ग्रह नक्षत्रों की गणना की है और नामकरण में इन्होंने वह नाम सुझाया है हमें। से बबरू वाहन नाम रखा है हमने। राजकुमार बबरू वाहन के जय। राजकुमार बबरू वाहन के जय। राजकुमार बबरू वाहन के जय। महाराज, इस सुखद क्षण में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अवश्य महावीर अर्जुन, कहिए क्या मांगना चाहते हैं आप? महाराज, सेनापति और उनके साथियों को आपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है। उन्हें अपने पापों का पूर्ण रूप से उचित दंड मिल चुका है। महाराज, उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। उन्होंने कई बार मुझसे क्षमा मांगी। स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है, अपितु अब वो अपना जीवन सादगी से बिताना चाहते हैं। ठीक है। पूर्व सेनापति और उनके साथियों को कारागार से मुक्त किया जाए, अपितु आज के बाद उन्हें हमारे राजकाज में कोई पद नहीं दिया जाएगा। वो हमारे राज्य में एक साधारण नागरिक की भांति जीवन यापन करेंगे। ये हमारा आदेश है। राजकुमार बबरू वाहन के जय। राजकुमार बबरू वाहन के जय। राजकुमार बबरू वाहन के जय। महावीर अर्जुन, महारानी बता रही थी कि आपने संदेशा भिजवाया है। जी महाराज, मेरी उपस्थिति इंद्रप्रस्थ में अनिवार्य है। चित्रांगदा। जी पिताश्री, हमने बहुत विचार विमर्श किया। हमारी कितनी भी इच्छा अपेक्षा हो, अपितु इन्हें अपने कर्तव्यों का पालन तो करना ही है। महावीर अर्जुन, आप अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करें, हम उसमें बाधक नहीं बनेंगे, अपितु हम उनका सम्मान करते हैं। वैसे भी आपको एक ना एक दिन तो हस्तिनापुर जाना ही है, तो आप अवश्य जाइए।
पर अब आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपसे आग्रह है कि जब भी आपको अवसर मिले तो आप मिलने के लिए आते रहिएगा। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। महावीर अर्जुन, आप ही के कारण हमें नया जीवन मिला। स्वार्थ से अंधे होकर हमने पाप किया, अपितु अब हम प्रण ले चुके हैं, पुण्य मार्ग में ही चलते रहेंगे। ईश्वर आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।
चित्रा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं भी, और हमेशा करता रहूंगा। अपने पिता का अभिमान है ये।